हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेबी रॉक्स टीम्स। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए आ गया एक मैच कवर करने ओलंपिक्स मैन लीग का। जो ओलंपिक्स मैन के तीन मैच थे, एक ऑलरेडी चल रहा है, बट अभी अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अंडर 23 मैच होने वाला है। और इस मैच की फाइनल टीम आपको मिलेगी लाइनअप्स के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है लेबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। पिछला टीटन भी होप कि आप अच्छा जीतें, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में पहला मैच ओपन ही दे दिया, क्योंकि मैंने कहा यार क्यों मैं आपको लटका के रखूँ ऐसे। तो बात करें, हम इस वीडियो में किसी भी चीज़ को प्रस्तावित नहीं कर रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे है। तो चलते हैं दोस्तों आगे बात करें इस मैच की, देन अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अंडर 20 का तो जो मैच होने वाला है, इसमें मैं अर्जेंटीना को फेवर करूंगा। ऑस्ट्रेलिया टीम वैसे अच्छी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अंडर 23 टीम बहुत बेकार है। मींस अगर मैं नेचुरली बोलूं, देन अंडर 23 के अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि वो अर्जेंटीना को हरा पाए मेरे हिसाब से, क्योंकि अर्जेंटीना के पास बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग है, बहुत अच्छा स्ट्राइक है उनके पास। बात करूँ गोलकीपर की, यहाँ से लूँगा ऑस्ट्रेलिया अंडर 23 का फर्स्ट गोलकीपर, जिसका नाम है एशले मेनर्ड या टी ग्लोवर में से कोई एक खेलेगा, बट अभी तक तो यही लग रहा है कि मेनर्ड खेले, क्योंकि मेनर्ड को ये ज़्यादातर मौका करके फ्रंट पे भेजते हैं। बट अभी हम सोचते हैं कि क्या करना है, आई थिंक ग्लोवर की भी ऑप्शन हो सकती है, दोनों में से कोई ना एक खेलेगा। बात करूँ डिफेंडर की, तो यहाँ से लूँगा एफ मेदीना को। एज यू नो कि मैंने फेकुंदू मेदीना को क्यों लिया, इसको सिर्फ मैंने लिया एज अ कॉमन डिफेंडर, बिकॉज अपनी टीम में से जो एक आधी असिस्ट कर सकता है वो ही तो करेगा, इस मेरे को वही उम्मीद है। आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, जो कि है हर्नन डेल अफोंटे। तो इस प्लेयर के बारे में आपने सुना होगा, और एक्चुअली ये दोनों प्लेयर्स तो मेन है। देखो, अर्जेंटीना टीम वैसे भी अच्छी है, अंडर 23 भी अच्छी खेलती है, देन मेदीना और ये दोनों तो कॉमन प्लेयर होने चाहिए, प्लस एक सी ब्रावो भी मैंने इसे ट्राई कर लिया। तीनों की ऑलमोस्ट, ये तीनों आपको हर मतलब ओपोनेंट की टीम में दिखने वाले हैं, ये कॉमन प्लेयर है। मतलब इस पर हम कुछ ज़्यादा नहीं किया, मैं बोलूँ कि मैंने लिए इकलौते ने, ऐसा नहीं है। तो मैं आगे से बात करूं मिडफील्डर की, ए मैकलिस्टर के काफी गोल्स हैं सीजन के अंदर, और एलेक्स मैकलिस्टर क्या है एक्चुअली, देखो मैं आपको सीधी बात करूं तो यहां पे काफी लोग ए मैकलिस्टर पे भरोसा ना करके ई बार्को पे भरोसा करेंगे, बट मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो ई मैकलिस्टर कर सकता है वो बार्को नहीं कर सकता। दैट्स वाई अगर आपको किसी को वाइस कैप्टन चुनना है इन दोनों में से, तो भाई ए मैकलिस्टर को चुनना। बार्को ठीक है, एक आधी असिस्ट के लिए अच्छा है, लेकिन गोल की जब बात आती है वहां ए मैकलिस्टर का नाम आता है। बात करूं डी अजरानी की, तो डैनियल अजरानी के बारे में आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया का नॉर्मल प्लेयर, और मतलब एक आधा गोल करने की उम्मीद है इस प्लेयर द्वारा, अगर हुआ तो, क्योंकि सी डेवलिन को इन्होंने यहाँ पे लाया है। सी डेवलिन शुरू में भी अच्छा नहीं खेलता था, दैट्स वाई मैं उसकी जगह सी मैटकैल्फे को चुन लिया, मैंने रिस्क ले लिया यहाँ पे, तगड़ा ही रिस्क ले लिया, क्योंकि एक ना एक रिस्क तो लेना ही था। और स्ट्राइकर की बात करूँ तो एम ड्यूक के बारे में जानते ही हो, एम ड्यूक या एंडी ऑगस्टिनो में से कोई एक खेलेगा, जो भी खेले उसको ट्राई करेंगे, बट मैं वेल्स को ट्राई ना नहीं करूँगा, अगर खेला भी तो नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इन दोनों में से किसी सिंगल प्लेयर को ट्राई करूँगा। और ए गेज की बात करूँ, इसको बोलते हैं एडोल्फो गेज ने प्रीवियस मैच से, सेकेंड लास्ट मैच के अंदर, इसी सीजन हुआ था एक महीने पहले, और उसमें इस प्लेयर ने ए गेच ने ज़बरदस्त गोल करा था, बहुत ज़बरदस्त। और आगे से बात करूँ सी वेंजुला की, ये प्लेयर पेनल्टी टेकर है, तो सी वेंजुला को मत छोड़ना, सेकेंडरी पेनल्टी टेकर भी लग रहा है मेरे को, बहुत बढ़िया खेलता है। कैप्टन जो मेरा देखा वो है सी वेंजुला, एंड वाइस कैप्टन वो ए गेच। तो ये रही मेरी टीम, मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।